4.3 में सब और बता, सगर बता का चिकित्सा, का चिकित्सा देखे भ्रूण हत्या, गर्भाशय में शिशु का मृत्यु हो जाना, समय से न होना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रियाओं को देखते हुए सगर बता का चिकित्सा जो है हमारे देश में अभाव है, हॉस्पिटलें कम है, शिक्षाएं कम है, डॉक्टर नहीं है, ये सारी तकनीकियां हैं। भारत एक गरीब देश है, इस सारी व्याप्तियां हैं, बेरोजगारी है, रोजगार धंधे नहीं है, ये सारे कारण बना हुआ है, जिसे सबको समुचित इलाज, समुचित चिकित्सालय नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, जो यश और गर्भता का चिकित्सालय में प्रमुख भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो है इसका इलाज जो है होना चाहिए, देश में ऐसी व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए जिससे गर्भता का चिकित्सीय उपाय जो है किया जा सके। इनके बाद आता है पॉइंट है 4.4 आपका यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग मानव में, मनुष्यों में यौन संचारित रोग बहुत है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जैसे आपका एड्स, दूसरा कैंसर, तीसरा हीमोफीलिया, चौथा वर्धांता, अन्य यौन संचारित रोग है। एड्स की कथा जानते हैं, असुरक्षित यौन संबंध में, असुरक्षित यौन संबंध करने पर एड्स रोग उत्पन्न होता है। कैंसर है, यह भी असुरक्षित से होता है। हीमोफीलिया है, वर्धांता है, बंधता है, बंधता ये भी रोग है। तो ये सारे रोग हैं, इनका इलाज जो है हमारे देश में सुख सुविधा वालों तक तो पहुंच जाता है, करा लेते हैं, लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं वह नहीं करा पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये यौन संचारित रोगों में महिलाओं में भी है। आपका सुजाक, वर्जीनिया, डिम्बोस, सैयद फदर, मधु, मधुमेह आदि यह रोग हैं, पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है, यह संचारित रोग भी करना चाहिए। इस तरह से यह रोग जो है उत्पन्न होते हैं। इनके बाद आता है बंधता, आपका 4.5 बंधता किसे कहते हैं? देखिए भारत देश में कुछ ऐसे हैं, संतानें हैं जिनके पास संतानें नहीं पैदा होती, ऐसे महिला पुरुष हैं जिनके पास संतानें पैदा नहीं होती। कारण होता है कुछ पुरुष में ही कमी आ जाए या महिला में ही कमी आ जाए, इन दोनों में कुछ न कुछ कमियां आ जाती है, और वर्षों वर्षों तक इन दोनों में संतानें उत्पन्न नहीं होती, ऐसे को ही बंधता हम कहते हैं।
इसमें देखा गया है बंधता में परिवार जो है एक दूसरे से संबंध होते हुए भी कुछ कमियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे महिलाओं में देखा जाए डिमोज का टेढ़ा हो पाना, गर्भाशय का सुस्कना, सहित पदर रोग, योनि का क्षतिग्रस्त होना, उसी तरह पुरुषों में भी होता है। तो ये सारी कमियां जो है होती हैं जिसे वर्धनता का शिकार होते हैं।